31 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपके यहाँ पर दिखता होगा आइकॉन्स, आइकॉन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आइकॉन्स के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप देखते हैं आइकॉन्स चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पर आइकॉन्स की स्टाइल चेंज कर सकते हैं और कस्टम पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से आइकॉन्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आप आइकॉन्स को सेट कर लेना, यहाँ पर आपको तरह तरह के अलग अलग आइकॉन्स मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे आइकॉन्स उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरह से तो कर लिया आइकॉन्स को, तो इस तरह से मेरे आइकॉन्स अभी हो चुके हैं फिलहाल। यहाँ पर 32 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपके यहाँ पर दिख रहा होगा लाइट, लाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कॉलम्स हैं, यहाँ पर आप फायर कर सकते हैं, मैं तो आप प्लस पर क्लिक करके आप फोर कर सकते हैं, मतलब फोर भी कर सकते हैं, फाइव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन छोटे बड़े बनकर बैठ रहे हैं, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। रॉस पर क्लिक करके आप फिक्स मतलब सिक्स कर सकते हैं, फाइव कर सकते हैं, फोर वगैरह वगैरह अपने हिसाब से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर 33 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपके यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर एक एरो मार्क आपको दिखता होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा बीच में, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये भी है ना, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करके जो भी जो आपको अच्छा लगता है एक ट्रांसलेशन, इसको क्लिक करके यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना। तो चलिए इसको कर लेता हूँ मैं अभी। इस तरह से होम स्क्रीन पर इस तरह से हम करेंगे, करने के बाद ये इस तरह से ये फिल्टर्स आते हैं, मतलब फिल्टर्स तो नहीं, जो भी है इस तरह से आता है। वापस से हम बात करते हैं 34 फीचर की, तो एरो मार्क पर क्लिक करना है लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर, मोर पर आपको क्लिक कर लेना है। मोर पर क्लिक करने के बाद और आपको नीचे आना है, यहाँ पर होम स्क्रीन लॉकेट है ना, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बताया था, यहाँ पर जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है, तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। आप देख सकते हैं उसी जगह लॉक हो चुका है एप्लीकेशन। हम बता देता हूँ वापस से हम यहाँ पर इस पर लॉन्ग प्रेस करके होम पर आना है, यहाँ पर होम स्क्रीन लॉकआउट पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन होते हैं उसी जगह लॉक हो जाएंगे। हम पर 35 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और इस पर क्लिक करके यहाँ पर मोर में आएंगे। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर आपको फिलहाल सर्च होता है ये नोटिफिकेशन ड्रावर करना है। नोटिफिकेशन ड्रावर करेंगे तो आप बस इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा, इतना ऊपर से आपको खींचने की जरूरत नहीं, बस नीचे से इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। यहाँ पर बात करते हैं 36 फीचर की, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा शो ऐप सजेशन, ये आपका ऑन होता है ऐप सजेशन, अभी फिलहाल ऑल ऐप्स है, आप ऐप सजेशन ऑन है तो यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको चाहिए ऐप सजेशन तो इसको ऑन कर लेना, ऐप सजेशन यहाँ से ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो रिसेंट एप्लीकेशन होते हैं, रिसेंट एप्लीकेशन ओपन किए होते हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं। 37 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपको नीचे आना है और नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा एड एप्स टू होम स्क्रीन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, नहीं तो इसको, ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि कोई भी आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं, नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, कहाँ चला गई सेटिंग, यहाँ पर एड एप्स टू होम स्क्रीन ऑन कर लेना है, नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद होम स्क्रीन पर आना चाहिए, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं 38 फीचर की, 38 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको आना नीचे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखता होगा ऐप एनिमेशन स्पीड, ये फिलहाल फास्ट है, मीडियम होता है तो कभी कभी। अब बता देता हूँ ये क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करें क्लोज करें तो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है, तो वापस से क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाकर आपको बता देते हैं यहाँ पर स्पीड करके, यहाँ पर जाएंगे उस सेटिंग में और यहाँ पर ऐप एनिमेशन स्पीड में जाकर फास्ट कर लेंगे। फास्ट करेंगे ना तो आप देखते हैं फास्ट ओपन होता है, फास्ट क्लोज होता है, कोई भी एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं 39 फीचर की, तो क्या करेंगे वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और इस तरह से सेटिंग जाएंगे और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डबल टैप टू लॉक, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप कहीं भी आपको जो खाली जगह दिखेगा होम स्क्रीन पर तो वहाँ पर डबल टैप करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आप डबल टैप करके स्क्रीन पर अपने स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, लॉक बटन पर क्लिक करके ऑफ करने की जरूरत नहीं। 40 फीचर की बात करने के लिए ना क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में और इस तरह से सेटिंग में आएंगे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहां पर दिखता होगा डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट, ये क्या आपको बता देता हूं, यहां पर इसको ऑन कर लिया ना तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उसके ऊपर एक अपडेट का एक डॉट बता देगा। 41 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है नीचे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहां पर दिखता होगा रेस टू वेक, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। आप जेब में रखें फोन को या टेबल पर कहीं भी रखें, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो
हो जाएगा। यहाँ पर 42 फीचर की बात करने ले जाएंगे हम सेटिंग में और होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। लॉक है आपका स्मार्टफोन तो आपको ऑन करना है, तो लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 43 फीचर की, तो जाएंगे हम सेटिंग में और जाएंगे यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और नीचे आने। नीचे आने के बाद लॉक स्क्रीन आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन है, तो आपको क्या बता देता हूँ यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर बार बार चेंज होते हैं। इस तरह से आपका लॉक स्क्रीन वाले वॉलपेपर है ना बार बार चेंज होते हैं, तो आप है ना आप देखते हैं लॉक स्क्रीन वाले वॉलपेपर्स बार बार चेंज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसको ऑफ करना है तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, यहाँ ऑन करना चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं। सेटिंग तो आपको मैं बता दिया, तो चलिए अभी लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात करते हैं 44 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग जाएंगे और उसी लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा थीम्स, आपको यहाँ पर थीम पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा एक थीम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर थीम मिलेगा। उसके अलावा और भी आपको थीम चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और भी थीम्स और फॉन्ट साइज और अप्लाई, इतने आपको और भी थीम्स मिलते हैं यहाँ पर, वॉलपेपर्स थीम्स वगैरह वगैरह वॉलपेपर्स हैं और फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स के स्टाइल्स को और थीम भी मिलते हैं। एक्स्ट्रा चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, आप बेहतरीन स्मार्टफोन करके यूज कर सकते हैं मॉडिफाई वगैरह करके। 45 फीचर की बात करने के लिए फोन पर आपको क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, चूज थीम पर क्लिक कर लेना, लाइट कर सकते हैं और यहाँ पर नहीं तो आप लाइट भी कर सकते हैं, यहाँ तो डार्क भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट करेंगे ना तो ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही लाइट हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो डार्क मोड ऑन ही है। यहाँ पर 46 फीचर की बात करने लिए इसी सेटिंग में अगर आपको फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है, आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फ्लैश ऑन कॉल, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, आपको जब भी कॉल आता है तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर उसी सेटिंग में बात करते हैं 47 फीचर की, ऑटो आंसर दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑटो आंसर इसको ऑन कर लेना है, ये क्या आपको बताया इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डिले ऑटो आंसर है, आप 5 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड अब 10 सेकंड कर लेना है और मान लो कि आपको ब्लूटूथ कनेक्ट है तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। एक स्टेप बैक आते हैं, बात करते हैं 48 फीचर की, वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर्ड एंडेड, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। मान लो कि आप किसी को कॉल करते हैं, जैसे कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है और आप कॉल के साथ कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। बात करते हैं एक स्टेप बैक अगर 49 फीचर की, ब्लॉकेड नंबर्स पर आपको क्लिक कर लेना है, अनकनोन नंबर ये इसको ऑन कर लेना। अब मान लो कि आपको अनकनोन न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, परेशान हैं आप, तो इस यहां से इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना तो जो नंबर आपके फोन में सेट नहीं है, सेव नहीं है, तो उस नंबर से आपको नए नंबर से कॉल ही नहीं आएगा। तो चलिए और आते हैं बैक अगर और फीचर की हम बात कर लेते हैं। 50 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में, यहां पर हम सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आने के बाद और आपको यहां पर दिखता होगा और नीचे आना है, प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऐप लॉक दिख रहा होगा, ऐप लॉक पर आप क्लिक करके यहाँ से आप ऐप लॉक रख सकते हैं, ऐप कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेना और पासवर्ड सेट करके कौन से एप्लीकेशन को आप लॉक रखना चाहते हैं वो लॉक अगर आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 51 फीचर की, तो क्या करेंगे यहाँ पर हाइड ऐप दिखता होगा, आपको एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर पासवर्ड सेट करके एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाकर आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 52 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी प्राइवेसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद प्राइवेट सेफ आपको दिख रहा होगा, आपको कोई भी आपका फैमिली डेटा है आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर प्राइवेसी मतलब इंपॉर्टेंट डेटा आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, गैलरी में शो नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आप उसको सेट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट करके आप यहाँ पर सेफ रख सकते हैं अपने डेटा को, उसकी नजर मतलब उस डेटा की नजर उस डेटा के ऊपर आप किसी की नजर नहीं पड़ेगी। 53 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना नीचे और नीचे आना है। यहां पर सिक्योरिटी आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना, फाइंड माय डिवाइस पर क्लिक करके ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे ईमेल आईडी से, फाइंड माय डिवाइस सेटिंग को ऑन करके रख लेना। 54 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको आना नीचे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद कंट्रोल टूल्स पर आपको क्लिक कर लेना है, यहां पर नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, ये बैक बटन होम बटन मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहां से स्वाइप जेस्चर फ्रॉम व्हाट्सएप आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहां पर बैक बटन होम बटन मेनू बटन ये सारे हाइड हो चुके हैं, आपको बैक आना तो यहां से आ सकते हैं, यहां से आ सकते हैं, होम बटन पर क्लिक करना तो नीचे से इतना कर लेना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टास्क रिमूव करना है तो नीचे से होल्ड करके आपको बस इतना करना है, यहां से रिसेंट टास्क भी आप रिमूव कर सकते हैं। 55 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी नीचे आना है। नीचे अगर कंट्रोल टू सेटिंग में आना है और नीचे आपको यहां पर दिखता होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग, ये सब कुछ आप कर लेना। यहाँ पर एक्स्ट्रा माइक लगाना चाहते हैं तो ऑन कर लेना और वीडियो की क्वालिटी को भी आप यहाँ पर हाई कर लेना वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग यहाँ पर कर लेना। उसके बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो नोटिफिकेशन पैनल में आना है, आने के बाद आपके यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखता होगा, इस पर आप क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। 56 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और आपको नीचे आना है और आपके यहाँ पर दिखता होगा कंट्रोल टूल्स, इसी सेटिंग में आपको आना है, आपको असिस्टेबल दिखता होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक बेल निकल कर आएगी, इस पर अभी
डायल क्लिक करने के बाद बैक बटन आ रहा है तो यहाँ पर हम उसी सेटिंग जाएंगे और उसी सेटिंग में आकर वापस से दूसरा फीचर इसमें लाएंगे। टैब मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने फीचर्स आपके यहाँ पर इसमें निकल कर आएंगे। ये रहा बैक बटन है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा। और उसके अलावा यहाँ पर ये रहा रिसेंट टैक्स रिमूव कर सकते हैं, मेनू बटन रहा, और ये रहा यहाँ से आप फोन को लॉक कर सकते हैं, ये रहा। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें और तो चलिए यहाँ पर ये रहा होम बटन। इतने फीचर्स आपको इसी स्मार्ट मतलब इसी असिस्टेबल फीचर में मिल जाते हैं। 57 फीचर की ऑफर से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको उसी कन्वर्जन सेटिंग में आना है और नीचे आपको दिखता होगा स्मार्ट स्लाइड बार, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक लकीर सी निकल कर आएगी, एक स्मार्ट स्लाइड बार निकल कर आएगा। यहाँ पर इस पर इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन निकल कर आते हैं। यहाँ पर आपको बताया तो यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। प्लस पर क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर सेट करके रख दें, ऐप पर क्लिक कर लेना। कोई भी आप ज्यादा जो एप्लीकेशन आपको यूज होते हैं अपने मनपसंद एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख लेना और राइट पर क्लिक कर देना। अब मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करके यूज कर रहे हैं, तुरंत आपको दूसरा एप्लीकेशन यूज करना है, ओपन करना है, तो इस तरह से स्लाइड करके आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप ये छोटे ओपन भी हो जाएगा। तो चलिए यहां पर बात करते हैं ऑफर से 58 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है उसी कंसल्ट सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहां पर दिखता होगा और एसिबिलिटी एकदम लास्ट में यहां पर दिखता होगा एसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। यहां पर दिखता होगा आपको हाई कॉन्टेस्ट टेस्ट, इस तरह से आप अपने टेस्ट को हाई कर सकते हैं। इस तरह से लाइटिंग की तरह दिख रहा है, जो आपको अच्छा लगे जैसा आपको अच्छा लगे फॉन्ट्स आप यहां पर सेट करके रख लेना। 59 फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में और ठीक नीचे दिख रहा है रिमूव एनिमेशन, यहां पर बैक करें और क्लोज करें तो एनिमेशन आ रहा है ना, इतना स्लो ओपन हो रहा है स्लो क्लोज हो रहा है। तो यहां पर रिमूव एनिमेशन पर क्लिक करके इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना स्पीड आपका स्मार्टफोन हो जाएगा, यहां पर कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है। इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए और फीचर की बात करते हैं, 60 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी कन्वर्जन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। एसिबिलिटी पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप कॉल पर बात करें, जैसे आपको कॉल कट करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाएगा। आप कॉल कट करना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना, एक बार कॉल कट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 61 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे और आपको आना है नीचे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद कंट्रोल सेटिंग में आना है। ये तो हमने सारे फीचर यहाँ पर हम देख लिया, एक स्टेप बैक आते हैं, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये 24 आवर्स होता है, यहां से इसको ऑफ करना है। आपका इंडियन टाइम ठीक से भी बता देगा, 12 आवर्स का टाइम बता देगा। यहां पर बात करते हैं 62 फीचर की, तो